हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की नई फिल्म समैरिटन 26 अगस्त को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दी गई है। फिल्म की लेंथ 1 घंटा 41 मिनट की है। कहानी अमेरिका के सुपर हीरो समैरिटन और उसके विलन भाई नेमेसिस के ऊपर बेस्ड है। सिल्वेस्टर स्टेलोन एस जोई स्मिथ, जो कि एक बूढ़ा आदमी है और कचरे उठाने का काम करता है। जावन वाल्टन एस सैम क्लेरी। सैम अपनी मम्मी के साथ ग्रेनाइट शहर में किराए के मकान में रहता है और ये समैरिटन का फैन है और अपने घर में उससे जुड़े अखबार और तस्वीरें जमा करता रहता है। यह सोचता है कि समैरिटन अभी भी जिंदा है। पिलोस बैक एज साइरस। साइरस ग्रेनाइट शहर में अपनी गैंग चलाता है। उसके पास काम करवाने के लिए बहुत सारे आदमी हैं जो उसके लिए चोरी, मारपीट और हत्या तक कर देते हैं। साइरस नेमेसिस का फैन है और उसकी तरह शहर में फिर से तबाही लाना चाहता है। दशा पोलान का एज टिफनी क्लेरी। टिफनी अपने बेटे सैम के साथ रहती है और पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करती है। यह चाहती है कि अगर उसको अच्छी नौकरी मिल जाए तो उस किराए के मकान को छोड़ देगी। मोइसिस एराइस एज रेजा। यह साइरस के लिए काम करता है और अपने 2-3 लोगों के साथ गैंग बनाकर रहता है और दुकान के मालिक को चकमा देकर उसका सामान चोरी करता है। एल्बर्ट कैशियर एज मार्टिन स्टार। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर है और साथ में इसकी एक बुक शॉप भी है। सैम इसके पास ये बताने के लिए आता है कि उसने समैरिटन का पता लगा लिया है ताकि वो उसका आर्टिकल अखबार में छाप सके, लेकिन एल्बर्ट उसकी बात को नकार देता है। सोफिया टाटम एज सिल। सिल का कोई परिवार नहीं है, साइरस ही उसके लिए सब कुछ है। यह 8 साल की थी जब उसकी मुलाकात साइरस से हुई थी और तब से ये उसके साथ ही है। मूवी की शुरुआत में करीब 3 मिनट तक समैरिटन और नेमेसिस की कहानी को बताया जाता है। यह दोनों जुड़वा भाई थे और काफी ताकतवर थे। उनमें से एक समैरिटन जो कि लोगों को मुसीबत से बचाकर अच्छे काम करने लग गया और उसका भाई नेमेसिस लोगों से बदला लेने के लिए उनको नुकसान पहुंचाने लग गया। बाद में एक खतरनाक हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। 20 साल बाद भी ग्रेनाइट शहर में काफी लोग यह मानते हैं कि समैरिटन अभी भी जिंदा है। सैम एक 13 साल का लड़का है जो कि समैरिटन का फैन है। वो अपनी मम्मी के साथ किराए के घर में रहता है। सैम पैसे कमाने के लिए तांबे के तार की चोरी करता है ताकि मकान का किराया भर सके। वहीं उसी के सामने वाले मकान में एक जोए नाम का बूढ़ा आदमी रहता है जो कचरा उठाने का काम करता है। एक दिन कुछ बदमाश सैम को परेशान कर रहे थे तो जोए ने उसकी मदद की थी। तब से सैम यह मानने लग जाता है कि जोए ही समैरिटन है। साइरस जो कि बुरे काम करता है और गैंग चलाता है, वो नेमेसिस का फैन है और उसकी तरह ही बनना चाहता है। शहर में फिर चोरी मारपीट होना शुरू हो जाती है और ये खबर फैल जाती है कि नेमेसिस वापस आ चुका है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या समैरिटन वापस आता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। एक्शन, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर आपको इस फिल्म में काफ़ी देखने को मिलेगा। दूसरे हाफ में आपको एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप जरूर हैरान होंगे। सभी किरदारों की एक्टिंग बहुत लाजवाब है। मूवी की कहानी, प्रोडक्शन और म्यूजिक क्वालिटी सब काफ़ी बढ़िया है। मूवी एक अमेरिका के सुपर हीरो समैरिटन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन सुपर हीरो बार बार लोगों को मुसीबत से बचाएगा ये इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और उसमें सिर्फ 1-2 ही एक्शन सीन दिखाए गए हैं। एक्शन, थ्रिलर और क्राइम के मामले में ये मूवी ठीक ठाक है, तो मूवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं इसको रेट करूंगा 7/10।